भैया अल्लाह का दिया हुआ ना सब कुछ है, ईंट है, पत्थर है, तलवार है, चाकू है, भाला है, छुरी है, बम है, बारूद है, बंदूक है, 14 बच्चे हैं, 4-5 बीवियां हैं, बस अफसोस यही है ना कि साला आटा नहीं है। लेकिन दोस्तों आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से इतनी कंगाली के हालात में होते हुए भी आज भारत को बुरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश में लगा हुआ था। यदि उसके पास खाने की फूटी कौड़ी भी ना हो तो भी वह भारत में आतंकियों को करोड़ों रुपये देकर के, लाखों रुपये देकर के यहाँ पर सप्लाई करते हैं। सोचिए यदि भारत में कोई भी व्यक्ति हो, वो 30,000 सैलरी उसको मिलता है तो वह नौकरी करना नहीं चाहता, वो पर मंथ। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है ना जिसे बोला जाता है 20,000-30,000 दे करके कि जाओ और जा करके भारत में बम फोड़ दो और साथ में मर भी जाओ, तो भी वहाँ के लोग तैयार हो जाते हैं। और यह है पाकिस्तान की हकीकत और यह है पाकिस्तान की औकात। और आज पाकिस्तान की ऐसी हालत होने के बावजूद भी भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मोदी का विरोध करते हैं, ही बोलते हैं कि मोदी देश को बर्बाद कर रहा है, मोदी देश को। आज भारत में क्या नहीं है, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो नए नए डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिस जो कि पहले बद से बदतर स्थिति में थी या जो अच्छी तरह से फल फूल रही तथा अच्छे से चल रहा है। और साथ में एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो लोग नोटबंदी का विरोध कर रहे थे ना, वो एक चीज कान खोल करके सुन ले कि एक दिन भारत ऐसा देश था जो कि पैसों के लिए बैंकों में लाइन लगा था, और यदि आज वो नहीं होता ना तो हो सकता है कि आज भारत पाकिस्तान की ही तरह रोटियां के लिए, आटा के लिए लाइन में लगना पड़ता भारतीयों को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ की जो हमने सरकार को चुना बहुत ही अच्छा साबित हुई तथा देश के लिए तथा हम सभी लोगों के लिए। और आज भारत का हर एक विभाग है, और यदि कहीं कहीं है जो कि राज्य सरकार की गलती, केंद्र सरकार भी कुछ गलतियां हैं जो कि उसके द्वारा अभी पूरी नहीं की गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसमें सुधार आई है। लेकिन जो लोग गुलामी गिरी कर चुके हैं, जो लोग बरसों से चमचा गिरी कर चुके हैं, उन्हें तो ऐसे फ्रीडम तो महसूस अच्छा लगेगा नहीं, उन्हें फ्रीडम अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि जो उन्हें जो लॉलीपॉप चूसने के लिए मिल रहा था वो चूसने को नहीं मिल रहा है क्योंकि उनकी अब जो पैकेट है वो खाली रह रही है। क्योंकि आज ऐसा युग आ गया है, ऐसा भारत में डेवलपमेंट हो गया है, सभी लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे, तो इस चीज़ को देख करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इतना जानते हुए भी, इतना डेवलपमेंट देखते हुए भी आज मोदी का विरोध करते हैं तथा देश में जो समय चल रहा है, देश में जो डेवलपमेंट चल रही है, उन सभी चीज़ का विरोध किया जाता है।